हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिमी। आपके लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। फ्यूचर में भी ऐसी लव एंड सपोर्ट की हमें जरूरत है। इस वीडियो पे आप देखेंगे अनारकली सूट के ऊपर फ्लोरल डिजाइन। इस डिजाइन के लिए मैंने यूज किया है फिल्बर्ट ब्रश और पोटैटो ब्लॉक। ये बहुत ही इजी डिजाइन। वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हमें आधा टुकड़ा आलू लेना है। अब इसके ऊपर हमें एक कपड़े से सोक करना है आलू को। अब इसके ऊपर हमें स्केच पेन से या फिर पेन से ऐसे लीप को हमें ड्रॉ करना है। अब हमें चाकू की मदद से आलू को काटना है। ध्यान रहे आपके हाथ पे ना लग जाए। नाउ ब्लॉक इज रेडी। मेरी ये सूट प्लेट टाइप की है। एक प्लेट की मिडिल पे मैंने स्केल से अब हमें ऐसे मार्क करना है। ये सूट बहुत लॉन्ग नहीं है। आपकी ड्रेस और लॉन्ग है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमें अब यूज़ करना है फिल्बर्ट ब्रश और पर्पल एक्रेलिक कलर। पहले ऐसे मैं सजेस्ट करूँगी, ड्राइंग बुक के ऊपर पहले एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे ब्रश को प्रेस करके क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज आपको पीछे की तरह लेना है। पहले ऊपर और नीचे पत्ती को बनाइए, फिर दो साइड में। पॉइंट को आपको सेंटर में रखना है। अब दो पत्ती के बीच में ऐसे हमें और एक पत्ती को बनानी है। बस प्रेस कीजिए, ऐसे प्रेस करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। आपको एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद बहुत आसान हो जाएगी। फिर आप अपने पसंद के कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी ड्रेस के ऊपर हमें ऐसे पॉइंट बनानी है जहाँ पर फ्लावर की डिज़ाइन होगी। मैं लाइन पे चार फ्लावर बनाऊंगी। आपकी ड्रेस लंबाई में और ज़्यादा है तो आप एक्स्ट्रा और फ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे हमें पहले पॉइंट करना है। अब सेम प्रोसीड्योर से जैसे हमने ड्राइंग बुक के ऊपर किया था, ऐसे ही हमें ड्रेस के ऊपर फ्लावर की डिज़ाइन करनी है। ऐसे अब साइड पे करना है। अब फिर दो पत्ते के बीच में और एक पत्ती। एक फ्लावर बन गई। ये नेक्स्ट फ्लावर। ऐसे ही हमें बाकी की और फ्लावर भी कंप्लीट करना है।
ध्यान रहे कलर कपड़े ना लग जाए कपड़े के ऊपर, मेरे यहाँ लग गई ऑलरेडी। अब हमें यूज़ करना है ब्राउन एक्रेलिक कलर। मैं यहाँ राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ऐसे स्केल के ऊपर जहाँ हमने मार्क किया था उसके ऊपर ही हमें लाइन की ड्रॉ करना है ऐसे। अब उस ब्लॉक को, पोटैटो ब्लॉक को, इसके ऊपर हमें कलर करना है। इसके ऊपर ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ और राउंड ब्रश। बस ऐसे ब्लॉक को आपको प्रेस करना है, करके थोड़ा होल्ड करके फिर उठा लीजिए। ऐसे प्रेस कीजिए, प्रेस करके कुछ सेकंड फिर उठा लीजिए। ऐसे बाकी के भी कंप्लीट करना है। अब ब्रश के बैक साइड पे लेमन येलो कलर लेके हमें फ्लावर के अंदर सर्कल बनानी है। है ना बहुत आसान? अगर आपको सच में अच्छे लगे प्लीज़ लाइक कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।